हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक अनदर फार्मिंग सिम्युलेटर 23 के नए वीडियो में, एपिसोड नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, सभी को पता है कि पिछले एपिसोड में अपन ने क्या किया था, ट्रॉली अपग्रेड करी थी, हेडर खरीदा था, फर्टिलाइजर स्प्रेडर खरीदा था। जा रहे हैं प्लाव। प्लाव क्यों? क्योंकि बताता हूँ, अब इस हाथी पे लगाते हैं हेल्पर और चलते हैं फील्ड में। ये देखिए, ये पीछे साइड में जो स्टेटस दिखा रहा है, इसमें देखो, नीड प्लाविंग प्लाविंग प्लाइंग, अपने खेतों को प्लाइंग की ज़रूरत है, प्लाव मारने की ज़रूरत है। इसके कारण देखो, यहाँ पे देखो, इसमें इधर वाले में आते हैं तो 80% दिखा रहा है, प्लस 80% यील्ड अपने को बोनस मिल रहा है। तो 20% जो बोनस है पर, वो अपना जा रहा है सीधा सीधा प्लाइंग ना होने की वजह से। तो चलते हैं सीधा यहाँ पे प्लाउ सेक्शन में आते हैं। प्लाउ 23,000 का है, 220 हॉर्स पावर का है और 3.5 मीटर का है। लेकिन जो सब सॉइलर है, ये काम वही करता है। 29,500 का है, 300 HP का है और 5 मीटर का है। तो ये मेरे को अच्छा लगा, काम वही करेगा तो वो करेगा, तो मैंने ख़रीद लिया। तो अब चलते हैं, इसको करते हैं प्लाइंग। चलो सीधा चल के वहीं पे लगाते हैं। इससे क्या होगा कि अपने जो 20% प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। इसको लगाते हैं प्लाव को। ये वाला ट्रैक्टर इस प्लाव के सामने थोड़ा सा हल्का पड़ता है, 7-8 की स्पीड देता है ये देखिए। लेकिन ये जो प्लाव है 300 हॉर्स पावर का है और अपना ट्रैक्टर जो है वो समथिंग तो 160 या 200 के आसपास का है। तो एक काम करते हैं, अपन दूसरे वाले ट्रैक्टर के पीछे अटैच करते हैं इसको, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हॉर्स पावर का है। चलो किया अटैच, इसको लगाते हैं। ये ज़्यादा HP का है तो थोड़ा सा फास्ट काम करना चाहिए। हाँ, जैसे कर भी रहा है, ये 11 की स्पीड दे रहा है, वो 8 की स्पीड दे रहा था। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको हेल्पर को लगा देता हूँ। ये देखिए प्लाउइंग का स्टेटस हट गया। मेसी में अटैच करके लगाते हैं हीटर को। ये सही चल रहा है। और गाइस चेक करते हैं, वीड 21,000 लीटर पड़ा अपने पास। जो साइड में दिखा रहा है ये है, और जो चार्ट में दिखा रहा है ये मंथली दिखा रहा है कि इस मंथ में कितना हाई जाता है, कितना हाई रहता है। देखो, इसमें जनवरी महीने में सबसे हाईएस्ट पे मिलता है अगर आप सेल करते हैं। चिकन का स्टेटस देख लेते हैं। अरे, इनको तो खाना भी नहीं डाला, क्या करते यार, इनको खाना डालना पड़ेगा। चलते हैं इस वाले ट्रैक्टर को तो रहन देते हैं, मेसी को ले के आते हैं। चलो भाई, मेसी भैया मुर्गियों को दाना डाल के आते हैं। चलो ट्रॉली अटैच करते हैं, ट्रॉली को लेके चलते हैं वहाँ पे और करते हैं खाली, क्योंकि इसमें है सोयाबीन और अपने को भरना है इसमें मुर्गियों के लिए चारा, जो मिलेगा हमें इसके साइलो की दूसरी साइड, जो लगाए इसके नीचे और भरो बहुत है इतना। इसको बैक करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं थोड़ी देर।
और हाथी को लगाते हैं काम पे, क्योंकि हमें फसल को काटना है तभी यहाँ पे वो चले। लेके चलते हैं, लेकिन नहीं, ये कि तो गलत हो गया। बर्फबारी स्टार्ट हो गई मामू। अब बर्फबारी का एक नुकसान है, क्योंकि हम अपने हार्वेस्टर को उसमें नहीं चला सकते, क्योंकि इससे हमारी फसल में थोड़ा नुकसान होता है, कम से कम आधी फसल का नुकसान होता है। तो हम इसके रुकने का इंतजार करते हैं, या फिर ये वाला दिन स्किप करते हैं, सो जाते हैं चल के। तो चलते हैं, चलो इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ये चलते हैं। चलो इसको बैग में लगाते हैं थोड़ा, और तो क्या ही कह रहे हैं अब तो। बर्फबारी स्टार्ट हो गई सुबह सुबह, वैसे जनवरी का महीना है, बर्फबारी होनी भी चाहिए। सो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, चलते हैं दोबारा से काम पे। अब लगाते हैं इस पे हेल्पर। चलो भाई तुम करो, इसको लगाते हैं दोबारा से काम पे। हाथी भैया, बर्फ के कारण आपकी काम रोक दिया, आपके कारण सगी का काम थक गया। ये वाला ट्रैक्टर थोड़ा ज़्यादा ही रेडियस है इसका। ओह नो, फिर से बर्फबारी। फरवरी का महीना है तो होगी, सूरज भी नहीं निकला। चलो क्या करें, आप फसल भी नहीं काट सकते। एक काम करते हैं, इसको वॉशिंग वॉश करवा के ले आते हैं, तब तक क्या पता शायद ये भी रुक जाए। चलो सॉरी दोस्तों, पी बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है उसके लिए थोड़ा सॉरी। टाइम थोड़ा स्लो कर देते हैं, रियल टाइम पे कर देते हैं, क्योंकि धूप निकल आई है और स्नो भी गायब हो गई है, और अब हम काम कर सकते हैं अच्छे से, हमारी फसल भी सही रहेगी, पैदावार भी सही रहेगी। तो चलते हैं, बड़े हेडर का यही फायदा है, दो या तीन तीन चार में तो सलटा देता है पूरे खेत को, एकदम साफ कर देता है। काम करते हैं यहाँ पे, इसको लगाते हैं हेल्पर को, चलते हैं। ये वाला भी हो ही गया, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा इसको। चलो हो गया, इसमें स्प्रेडर भरवा फर्टिलाइजर भरवाते हैं और चलते हैं, इसको भी लगाते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है कि पलाव के हो जाने से थोड़ा सा इसमें भी आसानी रहती है, मेरे को लगता है अपने को इस पे वो करने की भी जरूरत नहीं, फर्टिलाइजर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पलाऊ से जो वीड है वो पूरा नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, इसको लगाते हैं, हेल्पर को लगाते हैं इस पे। ये वाला ट्रक थोड़ा स्लो है, लेकिन इसका टर्निंग रेडियस उससे बहुत अच्छा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, लेकिन हॉर्स पावर के मामले में मात खा जाता है। हाथी को लेके चलते हैं, इसकी सूंड खड़ गई है तो इसको करते हैं खाली, और फिर दोबारा से लगाते हैं इसको काम पे। चलो हाथी का काम होने वाला है, हाथी सबसे फास्ट चलता है। अगर हाथी अकेला इन दोनों पे भारी पड़ जाता है कभी कभी। ये देखिए हो गया, इस वाले पुलाव का एक नुकसान है, क्योंकि इसको ट्रैक्टर चाहिए अच्छे वाला,
देखिए यहाँ पे स्पीड देखिए 5-4 दिन की स्पीड दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई आ गई ना, ऊंचाई की तरफ आ गया। एक काम करते हैं, बैक फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बैक में तो ज़्यादा स्पीड देगा, ये ढलान में तो स्पीड देगा थोड़ी बहुत। और ये हो गया हमारा काम फिनिश, चलते हैं इसको खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसकी कई दिनों तक जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है अपने को। आराम से इसको छइयों में, छइयों बोला, छांव में खड़ा कर देते हैं और चलते हैं वापस। यहाँ पे थोड़ा सा तेल भरा लेते हैं, इसमें 88% हो गया तेल का, डीजल भरा लेते हैं, भरते हैं और चलते हैं दूसरे वाले ट्रक पर। चलते हैं, चिकन का स्टेटस सही है, हेल्दी है 100%, एल भी पड़ा है इनके में, और इसको धुलवा लेते हैं। टनाटन बहुत ही सुंदर लग रहा है। चले सो जाते हैं। थोड़ा दवाई छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर भी छिड़कते हैं और फिर चलते हैं सोने। अगले गेम में हम खरीदेंगे एक नवा ट्रैक्टर, क्योंकि हमारे पलाव को जरूरत पड़ेगी, पलाव को नहीं, साथ में सीडर को भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो नया पलाव तो खरीदना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू।